आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पुलिस चौकी से जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा गया। जिला प्रशासन की तरफ से राशन के पैकेट बनाकर पुलिस चौकियों पर भेजा जा रहा है, जहां इस राशन को उन लोगों को बांटा जा रहा है जिनके राशन कार्ड नहीं है। देहरादून में पुलिस थाने के बाहर खड़े ये लोग कोई मुकदमा दर्ज कराने नहीं पहुंचे हैं, बल्कि इन्हें दो वक्त की रोटी के लिए राशन चाहिए। लॉकडाउन के बाद हालात ऐसे हैं कि लोगों के सामने खाने पीने की चीजों की परेशानी हो गई है। जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है, मगर पुलिस कर्मी सिर्फ उन लोगों को राशन दे रहे हैं जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। दरअसल राशन कार्ड धारकों को तो सरकारी राशन मिल भी रहा है, मगर ऐसे कितने ही लोग हैं जो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे लोगों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। यहाँ से पहले सर्वे किया जा रहा है कि वास्तव में नीडी लोग कौन है। बेसिकली वो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हीं को बांटना है, क्योंकि राशन कार्ड होल्डर को राशन शॉप से सामान बिकना है। तो हमारे चौकी इंचार्ज, हमारे कोतवाल साहब, इन लोगों ने सर्वे किया। ये एक शाम पहले पूरा सर्वे करें कि किस किन लोगों का राशन ख़त्म हो गया या ऐसे कौन नए परिवार आए जिनको वास्तव में ज़रूरत है, तो उस हिसाब से उनको बांटा जा रहा है। उनको पहले टोकन दिए जा रहे हैं, फिर बांटा जा रहा है। जिन लोगों को राशन बांटा जा रहा है उनके नाम का पहले सर्वे कराया गया था, जिसके बाद ही उन्हें राशन बांटा जा रहा है। राशन के पैकेट में घर की जरूरत का सामान मौजूद है, ताकि जरूरतमंदों को कुछ तो राहत मिले। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पुलिस चौकी से जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा गया। जिला प्रशासन की तरफ से राशन के पैकेट बनाकर पुलिस चौकियों पर भेजा जा रहा है, जहां इस राशन को उन लोगों को बांटा जा रहा है जिनके राशन कार्ड नहीं है। देहरादून में पुलिस थाने के बाहर खड़े ये लोग कोई मुकदमा दर्ज कराने नहीं पहुंचे हैं, बल्कि इन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए राशन चाहिए। लॉकडाउन के बाद हालात ऐसे हैं कि लोगों के सामने खाने पीने की चीजों की परेशानी हो गई है। जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है, मगर पुलिस कर्मी सिर्फ उन लोगों को राशन दे रहे हैं जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। दरअसल राशन कार्ड धारकों को तो सरकारी राशन मिल भी रहा है, मगर ऐसे कितने ही लोग हैं जो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे लोगों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। यहाँ से पहले सर्वे किया जा रहा है कि वास्तव में नीडी लोग कौन है। बेसिकली वो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हीं को बांटना है, क्योंकि राशन कार्ड होल्डर को राशन शॉप से सामान बिकना है। तो हमारे चौकी इंचार्ज, हमारे कोतवाल साहब, इन लोगों ने सर्वे किया। ये एक शाम पहले पूरा सर्वे करें कि किस किन लोगों का राशन ख़त्म हो गया या ऐसे कौन नए परिवार आए जिनको वास्तव में ज़रूरत है, तो उस हिसाब से उनको बांटा जा रहा है। उनको पहले टोकन दिए जा रहे हैं, फिर बांटा जा रहा है। जिन लोगों को राशन बांटा जा रहा है उनके नाम का पहले सर्वे कराया गया था, जिसके बाद ही उन्हें राशन बांटा जा रहा है। राशन के पैकेट में घर की जरूरत का सामान मौजूद है, ताकि जरूरतमंदों को कुछ तो राहत मिले। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।